आज की वीडियो में दोस्तों हम ये पुराना वाला बोर्ड जो है सही करना सीखेंगे। हो सकता है इसकी एलईडी रजिस्टर ख़राब हो गया हो, तो वो मेरे पास है नहीं, तो हम बिना एलईडी के भी इसको बना सकते हैं। तो सबसे पहले आपको इसके नेट खोल लेने हैं। मैं सबसे पहले इसको, ये मतलब पुराना डला हुआ था, ये काफ़ी गंदा सा हो गया है, तो इसको पहले मैं साफ़ करूँगा और फिर दोस्तों इसके बाद ही जो है इसको मैं फिर से कनेक्ट करूँगा। तो सबसे पहले आपको इसके चारों नट जो है पीछे के वो खोल लेने हैं। तो यहाँ पर देखिए हम ये बोर्ड को अलग कर लेते हैं। कनेक्शन इसका बहुत ही सिंपल होता है, बहुत सरल सी वायरिंग होती है इसके अंदर, उतना कुछ रहता नहीं है खास वायरिंग में। और आपको जो नट वगैरह हैं आपके, वो आपको कुछ ही ऐसी जगह पर रखने हैं ताकि वो घूमे नहीं। तो यहाँ पर देखिए मैं एक मैग्नेट का यूज़ कर रहा हूँ जिसमें मैं इसके नट वगैरह जो है वो चिपकाते जा रहा हूँ ताकि ये घूमेंगे नहीं। तो चलिए इसको साइड में रखते हैं। ये देखिए ये काफ़ी ज़्यादा गंदा हो गया है, ये तो पुराना डला हुआ था तो मैं उसी को सुधार रहा हूँ, ये देखिए। और इसकी वायरिंग वगैरह तो ठीक ही लग रही है मुझे, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर जो है नई डोरी इसमें जो है लगाने वाला हूँ। तो चलिए सबसे पहले ये जो वायरिंग है इसको हम निकाल लेंगे और इसको बढ़िया तरीके से साफ़ कर लेंगे। तो पहले इसकी हम वायरिंग जो है वो खोल लेते हैं। सबसे पहले आपको, आप ये काम कर सकते हैं कि ये जो दो वायर हैं वो आप सबसे पहले निकाल लीजिए, और फिर इसके जो ये जो लगा हुआ है ना पूरा का पूरा, ये अलग ये बाहर निकल जाता है, तो सबसे पहले हम इसको ही निकाल लेते हैं सेपरेटली, फिर हम बाद में इसका कनेक्शन जो है वो कर लेंगे। तो आप इसको भी निकाल सकते हैं, ये तीन नट बस लगे रहते हैं, इन तीनों को नटों को निकाल लीजिए। पैरेलल में इनका कनेक्शन रहता है तो दिक्कत की कोई बात नहीं है, वो आसानी से आप कनेक्शन कर सकते हो यदि आप कहीं भूल भी जाते हो तो। और ये बोर्ड की दोस्तों एक खास बात ये अंदर ये होती है, मतलब कि आप इसके जो डोरी रहती है ना, इसके डोरी आप बड़ी सी डोरी लगा सकते हो और इसके अंदर ही डोरी लपेट जाती है, आप घुमा घुमा कर इसके अंदर ही डोरी लपेट लेते हो। तो यहाँ पर देखिए ये जो तीन नट हैं उनको भी हम मैग्नेट में चिपका देंगे ताकि ये नट जो है बाद में घूमे नहीं, क्योंकि हमें नटों की ज़रूरत तो पड़ेगी। यहाँ पर देखिए एलईडी नहीं है इसमें, तो हम बिना एलईडी के ही बनाने वाले हैं, क्योंकि एलईडी अभी है नहीं, तो अब बिना एलईडी के ही बनाना पड़ेगा। और अब यदि हम एलईडी ले भी लेते हैं तो उसके लिए आपको एक रजिस्टर भी लगेगा, तो बिना रजिस्टर के वो एलईडी जलेगी नहीं। यदि आप ऐसे ही जोड़ दोगे एलईडी को तो वो ख़राब हो जाएगी, क्योंकि वो 220 वोल्ट नहीं झेल पाती है, तो आप बटन चालू करोगे वो फूक जाएगी। तो चलिए इसे हम सबसे पहले थोड़ा सा साफ़ कर लेते हैं और फिर आपको कनेक्शन करके आपको दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए आपको ये इस तरीके का बोर्ड रहता है, तो आपको कनेक्शन सिंपल सिंपल करना है। आपके पास दो जो है वो वायर रहेंगी, अब दो वायर रहेंगे तो आपको देखिए मैं एक सिंपल तरीके बताऊँ पैरेलल में, तो वैसे यदि आप जोड़ना चाहो तो देखिए ये दो हैं, यहाँ पर एक कनेक्शन, यहाँ पर एक कनेक्शन, यहाँ पर एक कनेक्शन, यहाँ पर इस तरीके का कुछ होता है पैरेलल में। तो आपको सिंपल से बताता हूँ, आप जो है ना यहाँ से जोड़ना शुरू कीजिए, देखो पहले आपको यहाँ से जोड़ना शुरू करना है। तो ये हमने एक डोरी ली, ठीक है, इसके पहले पॉइंट पर इसको लगाइए, फिर इसके पॉइंट, इसके पहले इस वाले के पहले पॉइंट पर लगाइए, इसके पहले पर, और इस वाले के पर, इस वाले के भी पहले पॉइंट पर आप लगा दीजिए यहाँ पर। बस ये कनेक्शन खत्म हो गया, यहाँ से डोरी आएगी इस वाले के पहले पर, इस वाले के पहले पर, इस वाले के पहले पर। आपको बस ध्यान थोड़ा सा इतना रखना है कि ये आपस में टच नहीं होने चाहिए, ठीक है, और ये आपस में टच भी हो गया तो ये दूसरी वाली जो डोरी है ना वो टच नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर ये आप ध्यान रखें, कुछ भी ऐसा आप डोरी का ही वो रहता है उसको, या कोई पुंगी टाइप या कुछ भी ऐसा लगा सकते हो। और जो दूसरा कनेक्शन आएगा, यदि देखिए यदि आपकी ये बटन चालू है तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, यदि बटन चालू है तो आप कनेक्शन कैसे करोगे, आपको एक डोरी लेनी है वो इसमें लगा देनी है, ठीक है। आप इस एक डोरी का टुकड़ा ये हो गया, फिर आपको एक टुकड़ा लेना है और फिर आपको कुछ इस तरीके से कनेक्शन करना है, इस वाले से आपको ले जाना है इस वाले के पहले पर, ठीक है, फिर इस वाले से आपको ले जाना है इस वाले के पहले पर, और फिर इस वाले से ले जाना है आपको इस वाले के पहले पर। तो इस तरफ से यदि आप ऐसा कनेक्शन कर रहे हो तो इस वाले के पहले पर, फिर इस वाले के पहले पर, इस वाले के पहले पर ख़त्म, फिर यहाँ से भी आप इस वाले के पहले पर, इस वाले के पहले पर, और फिर इस वाले के पहले पर, ठीक है, दोनों तरफ से आपको पहला पहला ही जोड़ना है। उसके बाद यदि आपकी बटन चालू है तो आप इसको एक कनेक्शन यहाँ दे सकते हो, फिर इसको यहाँ से, ये दोनों को आपस में नहीं जोड़ना है, तो ये आपका कुछ इस तरीके का कनेक्शन हो जाएगा। देखिए यदि आपकी बटन ये ख़राब है, तो बटन यदि ख़राब है आपकी, तो आप क्या कर सकते हो, इस वाले को आप रहने देना, ठीक है, इसको भी मत जोड़ना, इस वाले को भी मत जोड़ना। यदि आपकी बटन ख़राब है तो फिर एक डोरी यहीं से निकाल देना सीधी,
ये यहाँ पर प्रेस वाले पहले और यहाँ से ये और ये, तो इस तरीके से आप ऐसा जो है कनेक्शन कर सकते हैं। अब क्योंकि मेरे पास एलईडी और रजिस्टर तो जो है वो था नहीं, वो ख़राब हो गया था, तो मैंने इसको ऐसे ही जोड़ दिया। ये देखिए मैंने इस तरीके से कनेक्शन किया है, ये पहला, ठीक है, फिर इस वाले से यहाँ पर पहला और फिर इस वाले से यहाँ पर पहला, और ये डोरी का ही बीच में टुकड़ा लगा ताकि ये दोनों टच ना हो, शॉर्ट सर्किट ना हो। यहाँ से पहला और यहाँ से पहला, वो वाला टूट गया था तो वहाँ पर मैंने थोड़ी सी सोल्डरिंग कर दी है। और ये देखिए मैंने डिब्बे को अच्छे से साफ़ कर लिया था, ये दोनों को ही साफ़ कर लिया था। और ये देखिए यहाँ पर इस वाले की जो बोर्ड की बटन है वो हल्की फुल्की चालू है, तो यहाँ से आप जो है बटन से कनेक्शन कर सकते हो, नहीं तो एक बोर्ड है मैंने सीधा ही जोड़ा है। बस इसके बाद आपको इस तरीके का एक ढक्कन लेना है और इसके ऊपर लगा देना है, और आपका जो बोर्ड है बस तैयार हो चुका है। आपको बस कनेक्शन अब उसको पैक बस करना है आपको, और आपका बोर्ड जो है वो चालू हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए मैंने अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया है इसको, मतलब कहीं कहीं पर वो थोड़ा बहुत लगा हुआ है। याद रखिए आपके पास एलईडी और रजिस्टर है तो ही आप जोड़ें, और वैसे भी ज़्यादातर पुराने बोर्ड में तो एलईडी रजिस्टर दोनों ख़राब हो चुके रहते हैं, तो वो आप इग्नोर भी कर सकते हो, डायरेक्ट बना सकते हो। ये मेरे पास एक और बोर्ड है यहाँ पर, तो इसको मैंने जो है डायरेक्ट कनेक्शन ही किया है। ये भी पुराना ही बोर्ड था, ये भी देख सकते हो आप, ये भी पूरा ख़राब है, तो इसको भी पहले मैं साफ़ कर लूँगा। और ये देखिए इस वाले में मैंने डायरेक्ट ही कनेक्शन कर दिया, क्योंकि इसकी बटन जो है वो ख़राब है इस वाले में पहले, इससे पहले ये दूसरी वायर है, तो ये भी पहले पहले मैंने जोड़ दी है। तो बहुत सिंपल कनेक्शन होता है, आप कर सकते हैं। तो ये देखिए दोस्तों फाइनली हमने मैंने ये बोर्ड वगैरह जो है कस लिए हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हो, मतलब अब पहले से तो काफ़ी बेहतर दिख रहा है। आप देखिए तो ये बोर्ड जो है चालू है, ये बटन वाला बोर्ड है, और ये जो बोर्ड है ये डायरेक्ट बोर्ड है, इसकी बटन ख़राब है, मैंने लिख भी दिया है बटन ख़राब है उसमें, ताकि अगर कोई चलाए तो उसमें एलईडी तो है नहीं है, तो इसीलिए ये देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है। ये देखिए मैंने कनेक्शन किया है यहाँ पर, ये बताने के लिए कि ये बोर्ड चालू हो गया है। तो यहाँ से ये मैंने बटन चालू की, यहाँ से ये बोर्ड में कनेक्शन, और वहाँ से वो बल्ब में कनेक्शन। तो देखा दोस्तों ये जो है डोरी, यहाँ से ये बल्ब चालू है। तो इस तरीके से आप आसानी से कनेक्शन कर सकते हो। हम फिर मिलेंगे किसी दूसरी वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्ण।